मेरा नाम है शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हजियान इंटरनेशनल। सो गाइज, आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये क्रोएशिया के वीजा अपडेट के बारे में है, ठीक है। क्योंकि अभी क्रोएशिया में बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जो क्रोएशिया जाना चाहते हैं और वीजे में अभी बहुत ज्यादा जो है कि लेट हो रहा है, ठीक है। इसमें ये एक टॉपिक है। दूसरी जो टॉपिक है हम लोग जानेंगे कि क्रोएशिया का वीजा प्रोसेस क्या है। ये दोनों ही टॉपिक मैं इसमें जो कि कवर करने वाला हूं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियोस है मेरी वो उसकी जो है कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने मुझे जो है कि सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो आगे मेरा सोशल मीडिया का हैंडल दिया गया है वीडियो में, तो आप जाकर के वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है क्रोएशिया के वीजा अपडेट के बारे में है और दूसरी चीज की क्रोएशिया का वीजा प्रोसेस क्या है, वीजा अपडेट एंड वीजा प्रोसेस, ये दो टॉपिक हम लोग जो कि इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। कि वीडियो को अगर आप स्किप करोगे तो चीजें आपको समझ नहीं आएगी, एंड तक आप वीडियो देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये मैं बना रहा हूं उनके लिए जो हमारे ऑलरेडी एप्लीकेंट्स हैं और जो अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। और जो जिनको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए ये वीडियो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। सो गाइस, अभी आप लोगों को पता होगा कि जो क्रोएशिया का वीजा प्रोसेस है वो काफी लेट हो रहा है, ठीक है। मैंने एक रिक्वायरमेंट डाली थी जिसमें कि जनरल लेबर और कुछ कैटेगरी की रिक्वायरमेंट हमारे पास चल रही थी, जो कि आज से 4-5 महीने पहले की बात है या 5-6 महीने पहले की बात है, ठीक है। उस वक्त जो है कि क्रोएशिया शेंगेन का पार्ट नहीं था, ठीक है। ये मैं शुरू से आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो थोड़ा आराम से आप बैठ जाइए, उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। उस वक्त क्रोएशिया जो है शेंगेन का पार्ट नहीं था। जैसे ही शेंगेन का पार्ट हुआ क्रोएशिया, ठीक है, उसके बाद से जैसा कि आपको पता, अगर मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जब आपने देखा होगा जब हमारे इंडिया के अंदर जब भी नोटबंदी हुआ था, ठीक है, नोटबंदी आप लोगों को बराबर याद होगा क्योंकि वो ऐसा एग्जांपल दिया देने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। जब नोटबंदी हुआ था तो आप लोग बहुत परेशान हो गए, उसमें हम लोग भी बहुत परेशान हुए। लाइन लगाना, डिपॉजिट करना, निकालना, फिर नए नोट्स का आना, ठीक है, ये सारा प्रोसेस हुआ था, ठीक है। उसी तरीके से क्रोएशिया का जो है कि वीजा प्रोसेस और इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीटली चेंज हो गया है, ठीक है। कंप्लीटली चेंज हुआ तो जैसे कि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कंट्री है, एक नॉर्मल कंट्री है, ठीक है, कि जैसे कि क्रोएशिया जो है कि शेंगेन में नहीं था, वापस जो है कि अभी मतलब कि यूरोपियन यूनियन ने क्रोएशिया को अपने जो है कि उसमें शामिल कर लिया, ठीक है। तो वहां पे जो उसका वीजा प्रोसेस है, लेबर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, इमिग्रेशन प्रोसेस है, उसके बाद जो है कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, फिर यहाँ पे वीएफएस का जो एक नया प्रोसेस है, ये सारे जो प्रोसेस है ये इन्होंने नई तरीके से इनको करना पड़ा, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि कोई भी कंट्री अगर ऐड हो रही है तो उसके लिए स्टाफ की जरूरत होती है, वो भी जो है कि उसकी भी शॉर्टेज जो है होने की वजह से ये थोड़ा सा काम लेट हो रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है कि प्रोसेस से समझाता हूँ कि व्हाट इज द क्रोएशिया वीजा प्रोसेस, ठीक है। उस प्रोसेस के थ्रू मैं स्टेप बाय स्टेप उसमें आपको मेंशन करता जाऊंगा कि लेट कहां पे हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि अगर किसी भी एक रिक्वायरमेंट आती है, उस रिक्वायरमेंट में मतलब जो एप्लीकेंट है उसको अगर अप्लाई करना है तो एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। अगर इंटरव्यू नहीं हो रहा है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, कंपनी हमें अथॉरिटी देती है कि आप हमारे लिए बंदे रिक्रूट करो इंडिया से और उस बंदे की गारंटी लेकर के अपनी गारंटी पर आप उस बंदे को भेजो, ठीक है। तो वो काम हम कर रहे थे कि भाई हमारे पास ये बंदा है, हमको एक वर्किंग वीडियो चाहिए था, वो वर्किंग वीडियो हम लेते थे और लेकर के कंपनी को सबमिट कर देते थे और कंपनी जो उसका जो भी प्रोसेस करना स्टार्ट कर देती थी, ठीक है। ये कब की बात है, जब क्रोएशिया शेंगेन का पार्ट नहीं था। हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस लिया, लेने के बाद जो है कि उसको कंपनी को फॉरवर्ड करें कुछ ही दिन के बाद, मतलब कि 25 से 30 दिन या 20 से 25 दिन के अंदर ही ये अनाउंसमेंट हो गई, क्योंकि इसके पहले अनाउंसमेंट थी बट ऑफिशियली ये हमारे पास नहीं था, ना ही किसी के पास भी नहीं था। 20 से 25 दिन के बाद ये जो है कि अनाउंस हो गया कि भाई अब क्रोएशिया जो है कि शेंगेन का पार्ट है, ठीक है। जो हमारा पहले का सारा प्रोसेस था, पहले का जो टाइम था, वो वहीं पे हमारा खराब हो गया कि भाई अब तो नया प्रोसीजर करना है, ठीक है, वापस से पीसीसी ये सारी चीजें होनी चालू हो गई। तो यहां पे ना दो तीन चीजें आप ध्यान दीजिएगा। कभी भी एक रिक्रूटर जो होता है ना, जैसे कि
चाहे वो रिक्रूटर समझ लो, यूट्यूबर समझ लो, एजेंसी वाला समझ लो, ये जो भी लोग हैं ये फुल्ली डिपेंडेंट हैं एम्प्लॉयर के ऊपर। ठीक है, एम्प्लॉयर कौन है? जो हमें नौकरी प्रोवाइड कर रहा है। एम्प्लॉय कौन है? जिसको नौकरी चाहिए। ठीक है, तो हम काम करते हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों के लिए। वी आर वर्किंग एज अ मीडिएटर। सो आपकी रिक्वायरमेंट से इनको मीट कराता हूं और इनकी रिक्वायरमेंट को आपको मीट कराता हूं। लाइक इनके इनको जो है कि आदमी चाहिए और आपको जो है कि नौकरी चाहिए, तो हमारा काम है मिलाने का। ठीक है, तो ये काम हम करते हैं। ठीक है, जो टाइम था वो खराब हो गया क्रोशिया का। उसके बाद जो है कि भाई नया प्रोसेस चलेगा, कि अब क्रोशिया का जो है कि नया प्रोसेस होगा। उसमें एक डेढ़ महीने दो महीने इन्होंने खींच दिया भाई। हाँ, और ऑफिशियली ये सारी चीजें अनाउंस हुई, चीजें हुई, बॉर्डर ओपन हुआ, सारा काम हुआ। उसके बाद नया जो है कि फिर हमने पेपर वर्क करना चालू किया। ये सारी चीजें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को ये बात नहीं, हम लोग एक एक चीज आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैं ये चाहता हूं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारी फैमिली हैं, उनको ये बात मालूम होना चाहिए। क्योंकि पता है क्या, मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात नहीं कर सकता और उनको जो एक एक चीजों का मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि जो हमारे जो स्टाफ हैं, ठीक है, वो भी थोड़ा सा जो है कि नए थे यूरोप के लिए, वो उनको थोड़ा आइडिया नहीं था। मैं कितनी भी ट्रेनिंग दे लूं उसमें कुछ ना कुछ कमी ज्यादा जो है कि हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा कॉल फ्लो, जवाब न मिल पाना, इस वजह से लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे। ठीक है, तो अभी हम आते हैं कि हुआ क्या। ठीक है, तो ये जो है कि जब हमने एप्लीकेशन लिया वो एक डेढ़ महीने वो खराब हो गया, वापस एक डेढ़ महीने ये कि भाई हाँ अब इस तरीके से काम होगा और कि जो है कि सारा नया प्रोसीजर होगा, नई तरीके से चीजें होंगी, शनगन का वीजा मिलेगा, ये सारी बात हो गई। ठीक है, उसके बाद काम होना चालू हुआ, वर्क परमिट आए, उसके बाद जो है कि कॉन्ट्रैक्ट लेटर आए, वीजे भी लगे, फ्लाइट भी हुई। फिर क्या हुआ कि क्रोशिया का अगर आप देखोगे, हमारे पास जो है कि वीजा का सक्सेस रेट जो 100% है। ठीक है, अगर 10 एप्लीकेशन है तो 10 में से हमें 10 वीजा मिलेगा, और अभी जो है कि क्रोशिया का जो सक्सेस रेट चल रहा था वो भी 100% था। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि भाई क्रोशिया, क्योंकि माल्टा, पोलैंड, ये दो जो अदर कंट्रीज है इसमें जो है कि काफी डिले हो रहा है। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि भाई अभी तो हमें शनगन जाने से मतलब है, शनगन जो है कि अभी क्रोशिया भी शनगन का पार्ट है, तो क्यों ना हम दूसरी जगह अप्लाई करके हम क्रोशिया में अप्लाई कर दे। तो क्या वहां से जो फुटफॉल है, जो ट्रैफिक है, वो पूरा कंप्लीटली डाइवर्ट हो गया कहां पे? क्रोशिया में। अब क्रोशिया में जब डाइवर्ट हुआ तो यहां पे एमबीसी के ऊपर लोड बढ़ गया, वीएफएस के ऊपर लोड बढ़ गया। ठीक है, और वहां पे जो डिमांड, जो लेबर सप्लाई है, जो लेबर डिमांड है वो ज्यादा हो गया और सप्लाई जो है कि कम हो गई। ठीक है, उसकी वजह से वहां पे भी वर्कलोड बढ़ गया। अब सुनिए, जो एक जो वीजा प्रोसेस जो कंप्लीट होता है ना, एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस और वीजा प्रोसेस और इमिग्रेशन प्रोसेस, दीज आर थ्री डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, बंदे यहाँ पे जो है कि सिलेक्शन हो रहा है, बंदों का सिलेक्शन होने के बाद आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है कि पीसीसी की जरूरत होती है, फिर अपोस्टाइल होता है। ठीक है, करने के बाद हम वो पेपर्स भेजते हैं किसको? क्लाइंट को। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि लेट क्यों हो रहा है। ठीक है, वो फिर पेपर जाता है कहाँ पे? क्रोशिया में। क्रोशिया में जाने, ये वीजा प्रोसेस भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेम प्रोसीजर होता है वीजा प्रोसेस के लिए। ठीक है, फिर मैं अलग से नहीं समझाऊंगा, यही प्रोसीजर है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सारे पेपर्स कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं क्रोशिया। ठीक है, जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर जो है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में जो है कि उसका वेरिफिकेशन होता है, प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, एक बार पेपर आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, वहां से ग्रीन सिग्नल आ गया कंपनी को, एम्प्लॉयर को, कि हाँ भाई ये बंदा ओके है, फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेटर इशू होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर इशू करने के लिए ये सारी चीजें होती है, उसके लिए भी अप्रूवल्स की जरूरत होती है। ठीक है, जब बंदे की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा उस वक्त हो चुकी थी। ठीक है, एक बार वापस उन्होंने मतलब कि उसको फुलफिल किया, वापस से जो है कि तेज हो गया, तो वहां पे वापस से वो जो है कि रुक गया। ठीक है, सेकेंड फेज जो है, रुकने के बाद जो है कि वापस से यहां पे फिर से अप्रूवल जाना चालू हुआ, वर्क परमिट आने चालू हुए। ठीक है, काम हुआ, थोड़ा काम होने के बाद वापस से स्टॉप हो गया। तो वर्क परमिट की भी हमें अप्रूवल्स की जरूरत है, वेरिफिकेशन भी वहां पे कराना है, यहाँ पे आपको पीसीसी कराना है, यहाँ पे पोस्टाइल करानी है, सबमिशन करना है, फिर वीएफएस की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। आप लोगों को मालूम होगा कि वीएफएस की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है कि रश होने की वजह से वीएफएस की अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अभी अगर आप मेरे पे प्रेशर डालो या किसी भी एजेंसी के ऊपर आप प्रेशर डालो, सबका जवाब एक मिलेगा आपको कि वहां पर रश ज्यादा है। तो गाइज थोड़ा सा ना आप वेट करो, प्रोसेस आपको समझाया कि प्रोसेस क्या 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 डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को मालूम है
कि आपका वही पासपोर्ट की कॉपी, सीवी, फोटो, पीसीसी और अपोस्टाइल, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, सिंगल पीडीएफ में स्कैन करिए, स्कैन करके आप जो है कि दे दीजिए, वो जाएगा वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन क्रोएशिया, वहां से वेरिफिकेशन होकर आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर इशू होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर इशू होने के बाद आपका जो है कि वर्क परमिट इशू होगा, वर्क परमिट इशू होने के बाद यहाँ पे वीएफएस की अपॉइंटमेंट होगी, वीएफएस की अपॉइंटमेंट होने के बाद आप लोगों को पता होगा 45 डेज से 90 डेज का प्रोसेस है वीजा स्टैंपिंग का, स्टैंप हो गया, टिकट बनाइए, फ्लाई करिए, तो ये है उसका प्रोसेस। अब इन सब प्रोसेस में लगता है टाइम गाइस, ठीक है, तो पेशेंस बनाओ, पेशेंस बना करके रखो। अभी शेंगेन की डिमांड, मतलब कि क्रोएशिया की जो डिमांड है बहुत हाई है, और क्रोएशिया में 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी एप्लीकेंट को या किसी भी एम्प्लॉय को, तो बेहतर है कि आप क्रोएशिया जाने की कोशिश करिए। अभी रिक्वायरमेंट हमारे पास चल रही है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करिए, और जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है वो पेशेंस बनाए रखे। गाइज आई प्रोमिस यू कि 10 में से या 50 में से या 100 में से सबके वीजे लगेंगे, क्योंकि जो क्रोएशिया का सक्सेस रेट है और जो कंपनी के साथ में हमारी डीलिंग चल रही है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल चिन्हन डॉक्यूमेंटेशन हमें वहां से प्रोवाइड हो रहा है, तो हम सारे बंदों का काम प्रॉपरली करा करके देंगे। लेकिन वी नीड टाइम गाइस, ठीक है, हमारे साथ कोऑपरेट करिए, आप लोगों का ही फायदा है। और जिन्होंने पासपोर्ट अपने वापस ले लिए हैं, पेमेंट अपनी वापस ले ली है, उनको मैं बोलूंगा, उनके नंबर्स मेरे पास हैं, फोन करूंगा जब हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, आई विल कॉल यू गाइस एंड आई विल शो यू हाउ वी आर डूइंग, ओके, एंड हाउ वी डिड इट, ओके। सो आप लोगों के साथ बहुत सारा प्यार है मेरे को, क्योंकि आप लोगों की भी मजबूरी है कि आप लोग इतना वेट नहीं कर पाए जो है कि जिन्होंने अपने पासपोर्ट वापस लिए, जिनका प्रोसेस में नहीं था, ठीक है, और जो है, जो पेशेंस दिखा रहा है, जो है कि इस वीडियो, इस प्रोजेक्ट में बना हुआ है, यकीन मानिए 1 महीना ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद बहुत तेज काम होगा, ठीक है। तो अगर अभी आप क्रोएशिया में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना पीसीसी वगैरह रेडी रखिए, अप्लाई करिए, बहुत जल्दी जो है कि हम लोग इसका वीजा स्टाम्प करके देंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई रिक्वायरमेंट के साथ। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो अभी जाकर के shahnawaz_hajjani मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो कि टेलीग्राम का हैंडल है, वहां पे जाकर मुझे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई रिक्वायरमेंट के साथ। तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।